ईयर ऑन ईयर मतलब कि हर एक साल में सीमेंट का जो प्राइस होता है अराउंड 4% इंक्रीज हो जाता है। उसके वजह से दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो 700 से 5000 बन चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना फोकस डालते हैं इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन जो हमसे छूट जाता है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाता है। तो आज हम उसी सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसी को अगर डीमेट अकाउंट ओपन करने में तकलीफ़ आ रही है तो दोस्तों वो जाके अपना जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप यहां से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आपको स्टॉक सेलेक्शन में हेल्प किया जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा लॉस करने से बच जाइएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ सीमेंट के प्राइस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रहा, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है दोस्तों जो रिसेंट हाइक है वहाँ सीमेंट के प्राइस में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया, उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जब प्राइस डिक्रीज हुआ लेकिन दोस्तों सीमेंट के जो डिमांड है उसमें इंक्रीमेंट आया है। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है, व्हेन कॉस्ट आर फॉलोइंग एंड डिमांड इज राइजिंग, मतलब कि दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाता है सीमेंट का, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको भी सीमेंट का ज़रूरत है, आपके आने वाले फ्यूचर को भी सीमेंट का ज़रूरत है, जो पास्ट है उसको भी रिपेयर का ज़रूरत है। मतलब कि दोस्तों सीमेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सीमेंट प्राइस रोज बाई 24.25, मतलब 24 और 25 पर केजी, यहाँ देख सकते हैं पर 50 केजी बैग इन फरवरी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। अगर आप इस प्राइस भी खरीदना चाहते हो SIP के मोड में, मतलब कि दोस्तों धीरे धीरे करके आप खरीदना चाहते हो, तो भी बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, आप लोगों को खरीदना ही चाहिए करके ये स्टॉक। देख लीजिए क्यों खरीदना चाहिए, ये मैं दिखा देता हूँ कुछ स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 10 साल का परफॉर्मेंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 700 का स्टॉक, देख लीजिए 715 है, इससे भी नीचे होगा, ठीक है 700 का स्टॉक एक अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं 700 से। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4750, मतलब कि 5000 के आसपास जो है ये स्टॉक टच करने वाला था। देख सकते हैं सीमेंट के दोस्तों सेक्टर में कितना ज़्यादा स्केलअप हो रहा दोस्तों, बिजनेस कितना ज़्यादा स्केलअप हो रहा, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि आज के डेट में जो, मतलब कि पास्ट में जो चीज़ कंस्ट्रक्ट हो चुका है उसको भी रिपेयर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, उसके बाद जो हमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो हमें सीमेंट चाहिए उसको बनाना है, ठीक है जो भी करना, उसके बाद फ्यूचर के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। सीमेंट का प्राइस बढ़ जाएगा, रॉड का प्राइस बढ़ जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट होती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं गिरावट होती है, गिरावट दो तीन वजह से होती है, एक होता है कॉम्पिटिशन की वजह से और एक होता है दोस्तों सीजनल अफेक्ट की वजह से, ठीक है दो चीज की वजह से इसमें गिरावट होती है, क्योंकि जब इसका सीजन चला जाता है, अभी देख सकते हैं बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा इसमें थोड़ी गिरावट हो जाती है, उसी टाइम देखिए इसमें कभी भी, यहां पर देख लीजिए गिरावट थी, यहां पर भी देख लीजिए इसने हाईएस्ट बनाया था 2200 के आसपास मान लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए 1500 के आसपास। सोचिए अगर ये स्टॉक आपने 1000 रुपीज़ के भाव में भी खरीदा होगा तो आपको कितना प्रॉफिट मिला होगा एक साल, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल में जो बैंक हमारा पैसा को डबल करता है, इसने दोस्तों आपको 4 से 5 गुना निकाल के दे दिया होगा। और दोस्तों शेयर मार्केट से पॉजिटिवली इतना तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि इतना रिटर्न आप लोगों को कम से कम निकाल के दे दे 10 साल के अंदर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी स्टॉक भागना स्टार्ट किया है, स्टॉक भागना भी स्टार्ट किया है। तो यहाँ देखिए एक बात याद रखिएगा, जो बड़े स्टॉक हैं उसमें बड़ी तेज़ी देखी जाती है, जो छोटे स्टॉक है जो 50 रुपीज़ का स्टॉक है उसमें 1 या 2 रुपया का जो है डिफरेंस देखा जाता है, उसमें 1 या 2 रुपया का ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट अप डाउन जा सकता है, लेकिन जो बड़े स्टॉक है यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 4050 के वजह से, यहाँ देख लीजिए 4318, ठीक है तो 4015 से यहाँ पर 300 का आपको जो है अपर सर्किट लगते हुए दिखा, ठीक है जो जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा अपर सर्किट लगेगा, जो जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ज़्यादा जो है लोअर सर्किट लगने को देखा जाएगा।
और जहां तक प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, जो जो कंपनी जितना मजबूत होता है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतना ज्यादा प्रमोटर्स का क्या पकड़ होता है दोस्तों, प्रमोटर अपने स्टॉक को या स्टेक को छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी अच्छा काम करती है, उसके वजह से क्या होगा, उसके शेयर्स में क्या देखा जाएगा, अच्छा ग्रोथ देखा जाएगा। तो दोस्तों जब शेयर प्राइस में ग्रोथ देखा जाएगा तो प्रमोटर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक वो खुद रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं 60%, 60% में बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 50% आपको रखना ही चाहिए, मोर देन 50%, ठीक है, 16% है। लेकिन हमें देखना यह है जनरल पब्लिक को कितना मिला है, क्योंकि पब्लिक क्या होता है दोस्तों, पब्लिक एक ऐसा चीज होता है जिसको मतलब जो होता है वो दे देना चाहिए, जो होता है वो दे देना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम देने का ट्राई करते हैं, क्यों कम से कम देने का ट्राई करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो खुद रख लेना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए आपको किसी चीज में प्रॉफिट मिल रहा, बेनिफिट मिल रहा, तो आप चाहेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसको गैदर करूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं उसको ले लूं, क्यों, ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। उसी तरह यहां पर देख लीजिए पब्लिक को कम दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शनल होता है और लास्ट में होता है, इसलिए यहां पर देख सकते हैं 5.82 मतलब 6% के आसपास यहां पर दिया गया है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ म्यूचुअल फंड वालों ने भी अच्छा खासा लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3% ही लेते हैं, यहाँ पर 8% है वो भी। और देख लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वो भी दोस्तों 17% के आसपास है, तो ये अच्छा है। तो ऐसी कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए जहाँ जिस कंपनी का जो नेचर हो वो एज अ गोइंग कंसर्न हो, मतलब कि आने वाले दिनों में भी वो कंपनी अच्छे से ग्रोथ करती रहे और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी का ग्रोथ चेक करते थे कि आने वाले दिनों में उसका डिमांड कितना रहेगा, क्योंकि दोस्तों पैसा तो हमने अभी इन्वेस्ट किया है, मतलब अभी हमने इन्वेस्ट किया तो हम रिटर्न कब चाहते हैं उससे, फ्यूचर में हम उससे चाहते हैं कि अच्छा रिटर्न दे, कब, फ्यूचर में। तो दोस्तों फ्यूचर आने के लिए टाइम लगता है, और जब फ्यूचर में तो ऐसा ना हो कि टाइम चेंज हो जाए, कुछ डिमांड कम हो जाए या सप्लाई कम हो जाए, तो वो चेक किया जाता है। और यहां पर मैंने आपको दिखाया भी कि जब भी यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन कॉस्ट आर फॉलिंग एंड डिमांड इज राइजिंग, मतलब कि जब भी प्राइस कम होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सीमेंट बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं जो थोड़ा भी अगर प्राइस कम करते हैं तो वहाँ पर उनको जो है सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा जाता है। तो आप ऐसे कंपनी को फोकस कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपको अल्ट्राटेक सीमेंट को ही फोकस करना है, बहुत सारे सीमेंट हैं, अंबुजा है, बहुत है, ACC सीमेंट है, तो आप ऐसे कंपनियों में भी जो है अपना फोकस डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा थोड़ा भी खरीदना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखा कि ऐसे सेक्टर में भी हम पैसा बना सकते हैं, तो दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को और इंक्रीज कीजिए, जिससे आने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा उत्साह मिले। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल वाले घंटे को बजा दीजिए, नीचे में होगा। और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।